रहमान रहीम, जनाब जाफर खान मंदोखेल साहब, इमरानुल्ला मंदोखेल साहब, जनाब सरदार सनाउल्ला जहरी साहब, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब और जमाल शाह काकर साहब और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, शेरों, अस्सलाम वालेकुम। जाफर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर में मधु किया, आपने मुस्लिम लीग नून को अपना घर कहा और मैं आपको मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अपनी तरफ से अपने घर वापस आने को पर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मैं अभी आज मुख्तसर बात इसलिए करूँगी कि इंशाल्लाह कल जलसे में बलूचिस्तान के अवाम से इंशाल्लाह तफसीलन बात होगी, लेकिन चंद एक बातें हैं जो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ और वो ये है कि अभी ज़िक्र हुआ कि खौफ के एक माहौल में जब शमूलियत अख्तियार कर रहे थे तो लोगों ने मना किया। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में शायद ये पहला मौका है कि अवाम ने न सिर्फ खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं बल्कि खौफ दिलाने वालों का, अवाम को 72 साल से खौफ में रखने वालों का न सिर्फ नाम लिया है बल्कि उनके एहतसाब का मुतालबा किया है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, उन्होंने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, आप भले उनकी तकरीर पे पाबंदी लगाएं, आप भले उनकी आवाज से थर थर कांपें, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि आवाज बंद करने के बावजूद नवाज शरीफ एक वाहिद पाकिस्तान की शख्सियत है जिसकी आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। नवाज शरीफ एक वाहिद सियासी शख्सियत है जो इस मुल्क में ना होते हुए, बीमार होते हुए, लंदन में होते हुए सिर्फ एक वही है जो मुल्क के तूलो अर्ज में छाया हुआ है माशाल्लाह, और तूलो अर्ज में सिर्फ एक चेहरा आवाम को नजर आ रहा है जिसके अंदर वो अपनी तकालीफ का सारा हल भी ढूंढ रहे हैं, जिसको अपना अल्लाह ताला के बाद मसीहा भी समझ रहे हैं और जिसको, जिसकी लीडरशिप में अवाम ने लबैक कही है। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने का इससे बेहतरीन कोई वक्त ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और अब पीडीएम में जो 11 जमाते हैं सब ने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं, सब ने फिरौनियत को ललकारा है, फिरौनियत के आगे बंद बांधने की कोशिश की है, लेकिन मैं सियासी जमातों से भी ज़्यादा अगर इसका किसी को क्रेडिट दूंगी तो वो है पाकिस्तान के अवाम, जिन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टीज़, जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाशा साहब की बनाई हुई पार्टी की या जहीरुल इस्लाम साहब की बनाई हुई पार्टी की मैं बात नहीं कर रही, जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, उनको इन कारकुनान ने, इन अवाम ने मजबूर किया है कि वो आईन और कानून का रास्ता अपनाएं। तो पाकिस्तान के अवाम को आईन और कानून के मुकदमे लड़ने के लिए अपनी, हमारी आवाज़ पे लबैक कहने पे मैं पाकिस्तान के अवाम की ना सिर्फ शुक्र गुज़ार हूँ बल्कि उनको खराज तहसीन भी पेश करती हूँ। अब आ जाएं ज़रा मियाँ साहब के, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर। उन्होंने चंद तकरीरें की हैं अभी और एक उनकी जो मेरा ख्याल है कि एक आई ओपनर स्पीच जो थी उनकी, वो गुजरांवाला के जलसे की स्पीच थी और गुजरांवाला के जलसे में चंद बातें उन्होंने अपनी तकरीर के अख्तिताम पे ऐसी की उससे कई लोगों को वाकई खौफ आना चाहिए। उस तकरीर से खौफ नहीं आना चाहिए, मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो हकायक बयान किए उससे खौफ नहीं आना चाहिए, खौफ उनको इस बात से आना चाहिए कि जब मियाँ साहब ने वो बातें कहीं तो गुजरांवाला के हज़ारों अवाम ने और लाखों अवाम ने जो स्टेडियम के अंदर और बाहर मियाँ साहब की तकरीर सुन रहे थे
उन्होंने जो अपना उस पर रिएक्शन दिया, उन्होंने जिस तरह उन्होंने उस बात के ऊपर लबैक कहा, वो कुछ लोगों के लिए बहुत खौफ की बात है। मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि अवामी रद्द अमल जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ना सिर्फ गवाही दे रहा है बल्कि उसका तयन भी कर रहा है। और मियाँ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा स्टेट अबव स्टेट, स्टेट अबव स्टेट जानते हैं ना क्या होती है, रियासत के ऊपर एक रियासत। तो मियाँ साहब ने तो सिर्फ बात की, उसके बाद वो वुज़रा और मशीरों की जो फौज आती, उन्होंने कहा ये क्या बात कर दी, ये गलत है। मियाँ साहब ने तो बात जो कर दी वो कर दी, लेकिन उसका अमली मुजाहरा 3-4 दिन के अंदर अंदर, बल्कि 2 दिन के अंदर, 16 को गुजरांवाला का जलसा था और 18 को कराची का जलसा था, उसी रात जिस तरह IG को अगवा किया गया, जिस तरह होटल पे धावा बोला गया, जिस तरह मेरे कमरे पे धावा बोला गया, बलूचिस्तान के गयूर अवाम इस बात को समझ सकते हैं कि जब बहनों, पाकिस्तान की बेटियों और बहनों के कमरों के दरवाजे तोड़े जाएं तो उस वक्त आपका जो मुखालिफ है उसकी ज़ेहनी हालत क्या है। और फिर उन्होंने खुद प्रैक्टिकली इस बात का सबूत दे दिया कि रियासत के ऊपर रियासत क्या होती है। रियासत के ऊपर रियासत ये होती है कि इमरान खान नामी एक शख्स, जिस दिन से कराची का वाक़या हुआ है, वो ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत से बल्कि हकूमती मंजरनामे से भी बिल्कुल गायब है। उसको भी नहीं पता कि उस दिन आप लाख इल्ज़ाम दें हकूमत को, लेकिन उसको भी नहीं पता कि कराची में उस दिन किसने किया और क्या किया। सिंध गवर्नमेंट सब कुछ जानती है, और सिंध गवर्नमेंट ने ना सिर्फ बरवक्त इस साजिश को बेनकाब भी किया, बल्कि सिंध के गयूर अवाम ने, जिनकी रिप्रेजेंटेशन सिंध की पुलिस करती है, उन्होंने रियासत के ऊपर रियासत, सूबे के ऊपर एक हमले की कोशिश को ना सिर्फ ये कि अवाम में एक्सपोज किया बल्कि नाकाम किया। उन सब ने छुट्टी की दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा कि इन हालात में हमसे काम नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताएं, यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं, खड़े हैं, क्या ये बात किसी को अच्छी लगती है कि अगर आपको गैर कानूनी अहकाम दिए जाएं और अगर आप उस पर अमल करने से इनकार करें तो वो आपको अगवा करके ले जाएं, 4 घंटे हबसे बेजा में रखें, आपके मोबाइल आपसे छीन लें? भैया, आखिर IG की कोई इज्जत है? पुलिस वालों की कोई इज्जत है? वर्दी की कोई इज्जत है? हमारी हिफाजत करने वालों की कोई इज्जत है? अगर आपको इज्जत का पास नहीं है तो हम सबको तो अपने जो मुहाफिज हैं उनकी इज्जत का पास है। हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। हमें सिंध ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, उनकी हुकूमत है वहाँ पर, हमें अवाम के उस मैंडेट की इज्जत करनी है। हम उनके मुखालिफ हों या उनके हक में हों, हमें अवाम के फैसले का एहतराम हमें हर हाल में करना है। आपको ये याद होगा कि 2013 में जब बलूचिस्तान में अक्सरियत भी थी, लेकिन डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को ये मौका दिया गया नवाज शरीफ की जानिब से कि वो हकूमत बलूचिस्तान में बनाएं, अपनी हकूमत की कुर्बानी देके, अपनी PMLN चैप्टर बलूचिस्तान की कुर्बानी देकर उनको कहा गया कि वो हकूमत बनाएं। उसका एक ही वजह थी, उसकी वजह ये थी कि हम बलूचिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने में दिल से संजीदा हैं, और हम ये चाहते थे कि बलूचिस्तान के जो अवाम हैं, जो महरूमी का शिकार हैं, उसको हम कौमी धारे में लाएं, और उसका बहुत अच्छा एक आगाज़ हुआ था। तो ये जो अमली मुजाहरा हुआ है रियासत के ऊपर रियासत का, देखिए अगर ये जाली हुकूमत ही सही, ये धांधली से आई हुई हुकूमत ही सही, लेकिन अगर ये अक्लमंदी से, तमीज़ से, तरीके से अवाम की खिदमत करते तो शायद ये कुछ देर और गुजारा कर लेते। लेकिन ये तो इन्होंने तो फिरौनियत अख्तियार कर ली, इन्होंने तो अपनी कुव्वत और ताकत को, स्टेट के इदारों की ताकत को इन्होंने अपनी पूरी ताकत समझ लिया, और ये भूल गए कि ताकत के नशे में अल्लाह ताला को
कि मखलूक के जो हक हैं उनको इग्नोर करने वाला, गरीब से रोटी छीनने वाला, पेट्रोल, गैस, डीजल, चीनी, आटा, अदवियात की आसमान पे जो कीमतें पहुंच गई हैं, उससे अवाम के घरों में जो तकलीफ़ आई है, लोग झोलियां उठा उठा के आज बद्दुआएं दे रहे हैं। और उस पर आप ये करते हैं कि मीडिया ने एक जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, उनका नाम है अली इमरान, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चला दी कराची में अवारी होटल के, जो हम पर धावा बोला गया उसकी उन्होंने फुटेज चला दी। अब ये तो खिफत अपनी मिटाने के लिए हुकूमती वुज़रा और मशीरान जो हैं वो अपनी खिफत मिटाने के लिए, क्योंकि शर्मिंदगी तो उनको बहुत हुई, उन्हीं उनसे बाला बाला ये काम किया गया, तो अब वो अपनी खिफत मिटाने के लिए वो ये बातें कर रहे थे कि ये फुटेज ऐसे है, ये वैसे है। तो जिस बेचारे सहाफ़ी ने हक और सच का काम करते हुए वो फुटेज जियो न्यूज़ पे चला दी, अली इमरान, उसी को उसके घर से उठा के ले गए। ये कहाँ का इंसाफ है? कब तक आप जजेस को प्रेशराइज करके अरशद मलिक बनाते रहोगे? कब तक आप सहाफ़ियों को अगवा करके अपनी पसंद की जो न्यूज़ है वो लोगों को सुनवाते रहोगे? कब तक आप सियासत के अंदर दखल अंदाजी करते रहोगे? कब तक आप अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें लाते और मिटाते रहोगे? कब तक आप अवाम के वोट को, अवाम की इज्जत को अपने बूटों के नीचे रोनते रहोगे? एक ना एक दिन इसका इख्तिताम होना है और वो वक्त अब करीब है इंशाल्लाह। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। नवाज शरीफ इस मुल्क का, इस मिट्टी का बेटा है। और ये मुझे आज कहने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि नवाज शरीफ की 40 साल जो करियर है, सियासी करियर, वो इस बात से इबारत है, वो इस बात से बार बार साबित उन्होंने किया कि उन्होंने अपने से बढ़कर अपने ज़ाती मफादात और अपनी पार्टी और सियासी मफादात की कुर्बानी देकर उन्होंने हमेशा इस वतन अज़ीज़ की बात की है, इसके दिफा को मज़बूत बनाया है। तो हमें ये कोई लेक्चर ना दे कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं और हम अपनी अफवाज की इज्जत करना जानते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर मौजूद चंद किरदार जो अफवाज पाकिस्तान को कॉन्ट्रोवर्शल बनाते हैं, मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि बहुत सारे, बल्कि मेजॉरिटी जो है वो ऐसे ऑफिसर्स की है जो ना सिर्फ इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं बल्कि अपने हल्फ की पासदारी करते हैं, अपने वतन अजीज़ पर जानें लुटाने के लिए तैयार हैं, अपने वतन अजीज़ से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी आप और मैं करते हैं या शायद हमसे भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो वतन के दिफा के अंदर सियाचिन जैसी जगहों पर अपनी ड्यूटीज़ दिन रात दे रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। बहुत इज्जत है उनकी दिल में, उनको हम सलूट भी करते हैं। लेकिन दो या तीन अफराद के सियासत में दखल अंदाजी को अगर आप चाहते हैं कि हम मान लें, अगर आप चाहते हैं कि हम ये मान लें कि अवाम के वोट की बजाय हुकूमत जो है वो आपकी मर्ज़ी से आए और जाए, अगर आप ये समझते हैं कि जो शफाफ किरदार के हामिल जजेस हैं जिनके अंदर काजी फ़ाइज ईसा जैसे जज हैं, जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी जैसे जज हैं, अगर आप उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बना के आप कामयाब हो जाएंगे तो ये भी हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज हज़रात का जो फ़ैसला है उसने ना सिर्फ एक शफाफ और अपराइट जज का जो के ऊपर जो वार हुआ था जिसको आईन और कानून पर चलने की सज़ा देने की साजिश की गई थी उस पर रेफरेंस बनाया गया था जिनका नाम जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा है, कल उस रेफरेंस का जो फ़ैसला आया और कहा गया कि वो रेफरेंस गैर कानूनी है और उसको बनाने में बदनीयती शामिल है, तो ये मैं आपको बता दूं कि वो तारीखी नाकामी नहीं, वो तारीखी ज़िल्लत भी थी साजिशी अफराद के लिए, क्योंकि किसी भी तरह
मैं सदर को उसका कसूरवार नहीं समझती। सदर का इतना कसूर ज़रूर है कि वो इस्तेमाल हुए, उनको बतौर एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी के इस घनौने काम में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। ना सिर्फ वो इस्तेमाल हुए बल्कि पाकिस्तानी अवाम के टैक्स पे चलने वाला दफ्तर जो है सदर पाकिस्तान का, उसकी भी तौहीन की, उसको भी इस्तेमाल किया और वो झूठा रेफरेंस बना के भेजा। असल रेफरेंस के पीछे जो किरदार है वो इमरान खान समेत वो लोग हैं जो समझते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे जज कभी आईन और कानून और इंसाफ पर चलने वाले जज उनके लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो कल की जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके लिए पाकिस्तान की अवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और ये ना सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा का मामला था बल्कि अदलिया ने हालात को भांपते हुए अदलिया के ऊपर जो वार हुआ था, घिनौना वार हुआ था, उसको रोका है। क्योंकि अदलिया भी ये जानती है कि उनमें से जो आईन और कानून पर चलने वाला जज हैं, जो प्रेशर नहीं लेना चाहते, जिनको ज़बरदस्ती फैसले करवाने के लिए कहा जाता है, अरशद मलिक की जो मिसाल है वो आपके सामने है, तो उस हमले को भी अदलिया ने रोका है। और मैं सहाफ़ती बरादरी से, अपने सहाफ़ी भाइयों और बहनों से भी ये गुजारिश करूंगी कि एक के बाद एक जिस तरह से आपके सहाफ़ी भाई हक और सच पे आवाज़ उठाने के लिए ना सिर्फ बेरोज़गार हो रहे हैं, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनकी आवाज़ों को बंद किया जा रहा है, बेशतर को YouTube चैनल्स बनाने पड़ गए हैं क्योंकि उनको या तो नौकरियों से फारिग कर दिया गया है उनकी सच और हक़ की आवाज़ की ताब ना लाते हुए, या फिर उनको सज़ा का जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ इंतकाम लिया गया उसका निशाना बनाते हुए उनको घर बिठा दिया है, वो आज YouTube चैनल्स पे अपनी बात करने पे मजबूर हैं। तो अब जितने भी मैं नाम लूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है, जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब हैं, जिस तरह और हमारे सहाफ़ी भाई हैं जिनको उठा लिया गया दिन दिहाड़े, वो ब्रॉड डे लाइट में जिसको कहते हैं, वाले जजेस को फ्यूचर के लिए तहफ़ दिया है, इसी तरह ये सहाफ़ी बरादरी यक जान होकर अली इमरान के लिए आवाज़ उठाए। और आवाज़ उठाए, अली इमरान सिर्फ एक शख्स नहीं है जिसको अगवा कर लिया गया, ये है रियासत के ऊपर रियासत, जिसमें आप लोगों को घरों से उठा के ले जाते हैं, उनके बीवी बच्चे रास्ता देखते रहते हैं। मैंने अभी कहीं पढ़ा कि उनकी बीवी ये कह रही थी, उनकी अहलिया, कि वो बेकरी के लिए घर से निकले थे, बेकरी जाने के लिए, घर का कोई सामान लाने के लिए, और वो घर वापस नहीं आए। अब उनको आप शुमाली इलाका जात के दौरे पे ले गए हैं या आप उनको कुछ और सबक पढ़ा रहे हैं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन सहाफ़ी बरादरी को सहाफ़त के ऊपर हमले के ख़िलाफ़ यूनाइटेड होना चाहिए। हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, हर फोरम पे लड़ेंगे, पीडीएम आपका मुकदमा लड़ेगा, नवाज शरीफ आपका मुकदमा लड़ रहा है, मरियम नवाज अपनी जान हथेली पर रखकर आपका मुकदमा लड़ रही है, और हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे, हम आखिरी सांस तक इसको लड़ेंगे, हम आप सबका मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन आप भी सब बराए मेहरबानी जो खौफ की जंजीरें टूट रही हैं इस अमल को तेज़ करें और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब ना सिर्फ इस जाली हुकूमत से हमें आज़ादी मिलेगी बल्कि आइंदा के लिए इस तरह के मोहरों और को लाने और ले जाने का जो काम है, जो साजिशें हैं, वो भी इंशाअल्लाह